करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फर्स्ट सदिया की खबर का असर आपको बताते हैं। राज्य सरकार ने निरस्त की है राजनीतिक नियुक्ति। खेल परिषद सदस्य के रूप में गजेंद्र राठौर की नियुक्ति निरस्त। और साथ ही साथ फर्स्ट सदिया ने देखिए ये मामला महत्वपूर्ण जो मामला था उसको उठाया था। एसीबी से ट्रैप हुए थे गजेंद्र सिंह राठौर और मुख्यमंत्री के ध्यान में जैसे ही मामला आया वैसे ही इस पर तत्पर आक्षेप हुआ है। अब गजेंद्र सिंह की जगह प्रकाश बेनीवाल को सदस्य बनाया गया है। तो देखिए एक बड़ी क्योंकि देखिए जो एसीबी की ओर से लगातार प्रदेश भर में प्रदेश के हर विभाग में चाहे वो बड़े विभाग हो छोटे विभाग हो वो आम व्यक्ति हो या फिर खास व्यक्ति हो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है घूसखोर और घूसखोरी के विरुद्ध जो एसीबी का एक्शन होता है उसके बाद भी फर्स्ट सदिया का ये मुद्दा और ये मामला था कि राज्य सरकार ने उसकी नियुक्ति को बाद में ध्यान में आते ही निरस्त किया। पूरी जानकारी के साथ में वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी बड़ा असर हुआ है एक बार फिर से फर्स्ट सदिया की इस पहल का जिसमें एसीबी से ट्रैप हुए गजेंद्र सिंह राठौर और उसके बाद में उन्हें सदस्यता दी गई जिसे निरस्त तब किया है, क्या पूरी जानकारी? देखिए राजस्थान खेल परिषद में विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियां हुई थी और गजेंद्र सिंह जो राठौड़ है जो कि इसी खेल परिषद के रिटायर्ड खेल अधिकारी है जी। उनकी सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई थी लेकिन चूंकि गजेंद्र सिंह जो है वो एसीबी के मामले में वो गिरफ्तार हो चुके हैं वो सस्पेंड भी रहे हुए थे तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया ने ये मामला उठाया था कि इस तरह जो एक दागी जो व्यक्ति है उसको राजनीतिक नियुक्ति दी गई थी लेकिन जैसे ही फर्स्ट इंडिया में मामला उठाने के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में और मामला आया तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया क्योंकि मुख्यमंत्री संवेदनशील है और उन्होंने कभी भी जो नहीं चाहते कि इस तरह के किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो। इस बात की संभावना है चूंकि कई नियुक्तियां होती है तो जो कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता कोई नाम आगे बढ़ाते हैं तो उनकी नियुक्ति हो जाती है और इसी क्रम में ये भी नियुक्ति संभवतः हुई थी लेकिन जब फर्स्ट इंडिया ने मामला उठाया और मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला आया तो उन्होंने तुरंत जो गजेंद्र सिंह राठौड़ की जो नियुक्ति है उसको निरस्त कर दिया है रद्द कर दिया है। उनके स्थान पर प्रकाश बेनीवाल है उनको नियुक्ति दी गई है। देखिए जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां हुई है इस सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस नियुक्ति किसी नियुक्ति को रद्द किया गया है और ये भी फैसला हुआ है जब फर्स्ट इंडिया ने ये मामला उठाया क्योंकि जब ये नियुक्ति हुई थी तो उसके बाद जब ये ध्यान में आया कि जिसकी नियुक्ति हुई है वह तो उसी विभाग में। देखिए खास बात यह है कि जो गजेंद्र सिंह राठौड़ है वो खेल परिषद में खेल अधिकारी थे और खेल अधिकारी रहते हुए ट्रैप हुए थे और अब उनकी नियुक्ति जो हुई थी वो भी खेल विभाग में हुई थी खेल परिषद के सदस्य के रूप में हुई थी। तो ऐसे में जब ये मामला पूरा उठा और मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है तो मैंने तुरंत फैसला लिया क्योंकि जीरो टॉलरेंस रहता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इन मामलों में और उन तुरंत प्रभाव से जो है ये नियुक्ति रद्द कर दी है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ऐसी नियुक्ति में उन नेताओं को देखना होता है जो मुख्यमंत्री तक ऐसे नाम देते हैं उनको पहले देखना चाहिए उनको विचार करना चाहिए और बैकग्राउंड को टटोलने की जरूरत है। लिहाजा यहाँ फर्स्ट इंडिया का दायित्व था कि इस खबर को प्रकाशित हम प्रमुखता से करें और उसका असर नजर भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।